हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर. फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, आयुर्वेद एक आयु का ज्ञान है जो हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपनी ज़िंदगी को जीना है, कैसा आहार विहार करना है, क्या योग प्रैक्टिस करना है, ताकि हमारी ज़िंदगी अच्छी बन सके. आयुर्वेद के अनुसार वी आर व्हाट वी ईट, जो हम खाते हैं उसी से हमारे शरीर का स्वस्थ रहना या अस्वस्थ रहना निर्धारित होता है. तो आइए आज के वीडियो में जान लेते हैं कुछ बेसिक फूड्स जो आपकी डेली रूटीन में अगर आप शामिल करेंगे तो वो एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक डाइट होगी और आपको बहुत अच्छे तरीक़ों से बेनिफिशियल करेगी. तो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, जान लेते हैं. फ्रेंड्स, पर डे हम बहुत तरह का खाना पीना खाते हैं, तो अगर हम कुछ अच्छी चीज़ें अपने रूटीन में डेली में शामिल कर लेंगे तो वो हमारे लिए हमेशा ही हेल्दी रहने वाली हैं. तो आइए बात करते हैं. इसमें सबसे पहले है जैगरी, यानी कि गुड़. हमें पता है कि ये एक तरह का रिफाइंड शुगर ही होता है, लेकिन ये हमें ऑर्गेनिक सोर्स से मिलता है, शुगर केन से मिलता है, गन्ने से मिलता है. फ्रेंड्स, गुड़ के गुणों से हम सब परिचित ही हैं. बहुत सारे हमारे रिचुअल्स में, हमारे डेली रूटीन में, बहुत सारे हमारे रेसिपीज़ में खाने की ये इसका इस्तेमाल होता है. साथ ही हमारी बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स को बनाने में भी गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है. फ्रेंड्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो आयुर्वेद के अनुसार, ये थोड़ा हीट पोटेंसी का होता है और शरीर में गर्मी देता है ये, और इसीलिए ये लीवर के लिए, बाइल सेक्रेट करने के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. तभी आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे इंडिया में आदत है कि खाना खाने के बाद गुड़ दिया जाता है. पंजाब में तो बहुत ही ज़्यादा ये आदत है, तो उसका यही पर्पस रहता है कि ये हमारा मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है. इसके साथ ही इसके और भी बहुत सारे गुण हैं फ्रेंड्स. ये मिठाई की मीठे को तो हमारे रिप्लेस करता ही है. साथ ही 10 ग्राम्स गुड़ में 16 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है, जो कि हमारे डेली रिक्वायरमेंट का 4% होता है. इसके साथ ही गुड़ जो है हमारा मूड को ठीक करने में हेल्प करता है, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि जब इसका डाइजेशन बॉडी में होता है तो ये एंडॉर्फिन्स को रिलीज़ करता है, जो कि हैप्पी हार्मोन्स होते हैं. तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ ये हमारे इंटेस्टाइंस को क्लीन करने में हेल्प करता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस को दूर करने में हेल्प करता है, साथ ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है. तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि अगर हम थोड़ा सा गुड़ अपनी लाइफ में शामिल कर लें खाना खाने के बाद, थोड़ा सा टुकड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा. साथ ही हम गुड़ की चाय भी पी सकते हैं, या फिर जैसे कई चीज़ों में हम मीठे में सफ़ेद चीनी डालने की बजाय कोई स्वीट डिश बनाने में गुड़ को रिप्लेस कर सकते हैं. और बाकी टेस्ट बनाने की बात होती है फ्रेंड्स, वो अगर आप एक बार गुड़ की चाय पियेंगे तो फिर आपको वैसे ही आदत पड़ जाएगी. तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा सुपर आयुर्वेदिक डाइट फूड है रॉक सॉल्ट और सैंधव नमक और सोडियम क्लोराइड. फ्रेंड्स, ये आयुर्वेद में सबसे अच्छा सॉल्ट माना गया है, क्योंकि अदरवाइज सब सॉल्ट्स की पोटेंसी जो होती है हीट होती है, हीटेड होती है, और वो पित्त को बढ़ाते हैं. लेकिन सैंधव लवण एक ऐसा लवण है, नमक है, जो कि कोल्ड पोटेंसी का होता है, शीत होता है इसका वीर्य, तो ये पित्त को शामक होता है, पित्त शामक होता है, पित्त को कम करने में हेल्प करता है. फ्रेंड्स, ये सिर्फ पित्त को ही नहीं शांत करता है, ये इस तीनों दोषों को बैलेंस में रखता है. सैंधव लवण का आयुर्वेद में बहुत अच्छा रोल बताया गया है, ये हमें डेली में यूज़ करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है. क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके हमारी बॉडी में फ्रेंड्स, ये बाकी सॉल्ट्स की तरह वाटर रिटेंशन नहीं होने देता है, इसलिए वेट रिडक्शन में हमें काफ़ी हेल्पफुल होता है. साथ ही ये बॉडी में इंसुलिन को रीएक्टिवेट करता
होता है, इसलिए इससे शुगर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। साथ ही ये मेलाटोनिन हार्मोन को कंट्रोल में रखता है, इसलिए इसलिए स्लीप कुछ मतलब अच्छी स्लीप हमें आती है और एंजाइटी और स्ट्रेस से हमें छुटकारा मिलता है, जो कि आज के टाइम की बहुत ही प्रॉब्लम है बड़ी। तो फ्रेंड्स, सैंधव लवण या रॉक सॉल्ट हमारे लिए एक बहुत यूज़फुल चीज़ है अगर हम इसे डेली में यूज़ करते हैं अपने नॉर्मल सॉल्ट की जगह। फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक डाइट में नेक्स्ट है हमारे लिए काउज मिल्क, गाय का दूध। बहुत अच्छा बताया गया है आयुर्वेदिक डाइट में इसे डेली कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि इसमें जो कैल्शियम का अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि खासकर बच्चों की बोन डेवलपमेंट के लिए, बोन स्ट्रेंथ के लिए, स्टैमिना के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ ही ये मेंटल रिलीफ देता है, मेंटल स्टैमिना को भी इंक्रीज़ करता है। इसमें इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स होते हैं कि ये हमारे लिए एक अमृत का काम करता है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही ये माइग्रेन की हेडेक्स को कम करने में हेल्पफुल होता है और साथ ही मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को भी कम करने में हेल्पफुल पाया गया है। फ्रेंड्स, देखिए ऐसा होता है कि कोई एक चीज़ अच्छी किसी मायने में अच्छी भी हो सकती है और किसी में ख़राब भी। तो अगर हम जैसे कि कहा जाता है कि आयुर्वेद एक स्वीडो साइंस है, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि, लेकिन मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है कि काउज मिल्क में ठीक है आयरन की कमी होती है। तो हो सकता है कि हमें जो लोग काउ मिल्क की डाइट पर हों, हमें उन्हें बोलना पड़ता है कि आप आयरन रिच खाना, कुछ ग्रीन सब्जियाँ, ऐसी चीज़ें ज़्यादा लें, और कई बार सप्लीमेंट भी देना पड़ जाता है। तो वो तो वैसे भी देना पड़ सकता है फ्रेंड्स, लेकिन जो इसके बाकी गुण हैं उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और हर चीज़ को लैब में टेस्ट नहीं किया जा सकता है। कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं और ये तो सालों से आयुर्वेद की पैथी 6000 साल से चली आ रही है, तो इस पर तो विश्वास हमें करना ही पड़ेगा। जो इतने हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे, हमारे एंसेस्टर्स होते थे, इतने साल से इसी पैथी पर चलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो फ्रेंड्स, बीच में इसलिए मैंने बोला कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को खंडन करते हैं कि सैंधव लवण खाएंगे तो आयोडाइज नमक का क्या, और काउज मिल्क लेंगे तो आयरन का क्या। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहती हूँ कि जिस चीज़ का जो अच्छा लगे वो ग्रैस्प कर लो, बाकी चीज़ की कमी को किसी दूसरी तरह से पूरा कर लो, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा आयुर्वेदिक डाइट में इंक्लूड होना चाहिए धनिया या कोरिएंडर। फ्रेंड्स, हरा धनिया लगभग हर हमारी सब्ज़ी में, हर डिश में ऊपर से हम डालते हैं, ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ में, स्टर फ्राइड रेसिपीज़ में, तो क्यों इसका इतना अच्छा यूज़ है। फ्रेंड्स, ये शीत गुण होता है और स्टमक की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये दूर करता है। अगर किसी को टी, कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी वगैरह से एसिडिटी ज़्यादा हो गई है, धनिया का किसी भी रूप में उपयोग, उसका जूस या फिर धनिए का को उबाल कर पानी में उसको लेना बहुत अच्छा रहता है। धनिया डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, बहुत सारे हमारी भूख ना लगना और उल्टी का मन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सारी चीज़ों को दूर करता है। साथ ही इसमें सेलेनियम होता है, एक बहुत ही जो रेयर मिनरल होता है, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, नर्व्स के फंक्शन के लिए अच्छा होता है, तो वो हमारा सिर्फ धनिया से ही पूरा होता है। तो मेरी अपील है उन सभी मदर्स से, मम्मियों से जिनके बच्चे नाक भौं सिकोड़ते हैं जब सब्ज़ी के ऊपर वो धनिया को काटते हैं, क्योंकि मेरा बेटा भी खुद ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करता था। तो फ्रेंड्स, थोड़ी आदत डालिए, बच्चों को उसके गुण बताइए। आजकल के बच्चे बहुत लॉजिकल हैं, अगर उन्हें ठीक से बताया जाएगा कि इसके खाने से आपको बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, तो वो ज़रूर इसको अपनाएंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है आलमंड्स, यानी कि बादाम। फ्रेंड्स, बादाम से आप सब
उसके गुणों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आयुर्वेद में बादाम की बहुत ज़्यादा महत्ता बताई गई है, इसको वात पैसिफाई फूड में शामिल किया गया है, ये वात को कम करता है और सारी धातुओं को हमारी बढ़ाता है और स्पेशली शुक्र धातु को बढ़ाता है और साथ ही ओज को बढ़ाता है। कहने का मतलब ये है कि ये हमें इम्यूनिटी देता है हमारी बॉडी को, कैसे, क्योंकि ये हमारे सेल्स को स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथन दोनों करता है। इसके साथ ही ये इसका जो फैट होता है वो एचडीएल होता है, गुड फैट होता है, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिससे हमारे हार्ट का फंक्शन बिल्कुल सही रहता है। इसके साथ ही ये हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल पाया गया है और साथ ही ये हमारे शरीर में आयरन को, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और फ्रेश ब्लड सेल्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। फ्रेंड्स, आलमंड की बहुत सारे गुण हैं। इन नटशेल मैं सिर्फ यही कहूँगी कि उनको सिर्फ अपने दिमाग में मत रखिए, इस्तेमाल कीजिए डेली में, कोई मुश्किल नहीं है। 5 बादाम रोज के शाम को भिगोइए, अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो हर इंसान के, हर पर्सन के 4 बादाम भिगो करके, 5 बादाम भिगो करके सुबह चाहे छीले बिना ही उसको खाइए। मैं तो कहती हूँ छीले बिना ही खाइए, क्योंकि उससे उसको, उसका जो फाइबर है वो भी अच्छा होता है और वो आपके शरीर में एक अच्छी फुलनेस की फीलिंग देता है, वेट रिडक्शन में हेल्पफुल होता है और बहुत सारे और फायदे होते हैं उसके, कॉन्स्टिपेशन में हेल्पफुल होता है। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप कभी भिगोने भी भूल जाते हैं, लाइफ इतनी बिजी है, तो आप उसे ड्राई ही खा लीजिए। वैसे भिगोकर खाएंगे तो उसके ज़्यादा फायदे होते हैं, जब वो डैम्प होता है तो उसके और प्रॉपर्टीज बढ़ जाते हैं बादाम के। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आप बिजी हैं तो ये बहाना मत लगाइए कि मैं भिगोना भूल गई तो मैं कैसे खाऊंगी या खाऊंगा, लेकिन आप सुबह उसको ड्राई ही खा लीजिए और ट्राई कीजिए कि उनको खाली पेट आप खाएं। अगर दूध के साथ ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो चलते फिरते हुए भी आप उसको मंच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट फूड क्या ऐड करना है आपको आयुर्वेदिक डाइट में? काउज घी, जैसे कि हमने काउज मिल्क की बात की थी, ऐसे ही हमें गाय का घी अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत ही नॉरिशिंग होता है, एंटी फंगल, एंटी वायरल, और क्या प्रॉपर्टीज इसमें नहीं होती हैं, ठीक है। सैचुरेटेड फैट इसमें होता है, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा इम्पैक्ट होता है। और बाकी मॉडरेशन इज द की, ऐसा नहीं है कि आपको घी के चम्मच खाने हैं, थोड़ा सा घी फ्लेवर के लिए भी अच्छा रहता है और बहुत सारे बॉडी फंक्शंस के लिए अच्छा होता है। पेट को लूजन करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, हमारे डाइजेशन को बढ़ाता है और साथ ही हमें नॉरिशमेंट देता है, दिमाग में जिसे तरावट लाता है। आजकल वैसे ही इतना मेंटल प्रेशर है हर हर इंसान पर, लेकिन बच्चे भी इसे नहीं खाना चाहते हैं, गर्ल्स तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कहूँगी कि अपने बच्चों को आदत डालिए और खुद भी एक दिन में एक चम्मच, छोटे वाला चम्मच गाय का घी खाना बहुत ही अच्छा है, अमृत है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमें होने से बचा सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आयुर्वेदिक डाइट में आपके यूज़ करना चाहिए आंवला। आंवला के बारे में एक मैं ज़रूर पूरा वीडियो अलग से बनाऊंगी। आंवला आयुर्वेद का सबसे इम्पॉर्टेंट हर्ब है, हर्बल मेडिसिन है और इसका हर सिस्टम पर इफेक्ट है। आप बाल झड़ने से देख लीजिए, आईज के लिए अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है और इसमें आयरन का रिच सोर्स है ये, और हर हर चीज़ के लिए अच्छा है फ्रेंड्स। तो मैं ज़रूर सलाह देती हूँ अपने पेशेंट्स को कि आंवला को किसी भी रूप में इस्तेमाल करें, जिनको कच्चा मिलता है रोज़ का एक आंवला खाएं, और विटामिन सी का इतना सोर्स है, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी वायरल, एंटी फंगल, वाट एवर, जो भी आप सोचें कि ये एक रसायन है जो कि हमारी ज़िंदगी को बढ़ाता है, लॉन्गेविटी को हमारी लाइफ की। पर ये नहीं कि एक आंवला खा लिया तो छुट्टी हो, बढ़ गई लाइफ, ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स।
इसको रेगुलरिटी में जब भी आपको मौका मिले आंवला का सेवन ज़रूर करें। मैं अपने फ्रेंड्स अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ, खासकर गर्मियों में आंवला का मुरब्बा किसी अच्छी कंपनी का, उसका मीठा पार्ट निकाल देना है, एक आंवला रोज़ का खाएं और ऊपर से आधा गिलास पानी पी लें। इससे अच्छी कोई ज़िंदगी बढ़ाने की दवा हो ही नहीं सकती फ्रेंड्स। तो आई होप आप समझे होंगे इस चीज़ को। आपको रॉ मिलता है, रॉ खाइए। आपको किसी मुरब्बा फॉर्म में तो मिल ही जाता है, किसी और फॉर्म में आंवला का चूर्ण मिलता है, या समटाइम्स किसी ने वो उसकी कैंडी टाइप बनाई होती है इसको ड्राई करके, तो वो भी ली जा सकती है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने जाना कुछ ऐसे फूड आइटम्स को, सुपर फूड्स को, जो कि आयुर्वेद के हिसाब से बहुत अच्छी डाइट हो सकते हैं अगर हम उनको अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं। बाकी फ्रेंड्स इतने तो आप खुद ही समझदार हैं कि कोई भी हेल्दी चीज़ अगर ज़्यादा मात्रा में ली जाती है तो वो भी हानिकारक हो जाती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो अच्छी चीज़ों को भी मॉडरेशन में लेना ही ठीक रहता है, वो भी आजकल के टाइम में, जबकि हमारी लाइफ्स इतनी सिडेंट्री हैं, बहुत ज़्यादा हमारा वर्कलोड नहीं है, बहुत काम नहीं है, तो हमें उतना ही खाना है जितना हम पचा सकते हैं। फ्रेंड्स आपका फंडा ये होना चाहिए, ईट टू लिव नॉट लिव टू ईट। खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।